प्रधानमंत्री आवास के पात्रों को किया गया पात्र, ग्रामीणों ने की शिकायत। जिस अधिकारी के खिलाफ ग्रामीणों ने की शिकायत उसी को बना दिया जांच अधिकारी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के विकासखंड फकरपुर के ग्राम पंचायत मूलकपुर में ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान के ऊपर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जिन लोगों को पहले मिल चुका है प्रधानमंत्री आवास का लाभ, उन्हीं को फिर से दिया गया है आवास का लाभ। गाँव में जो लोग अपात्र थे, दो मंजिल की बिल्डिंग बनी हुई थी, उन्हीं को पुनः आवास का लाभ दिया गया। जिनके घरों पर तिरपाल व फटी हुई है, कच्चा मकान जर्जर हो चुका है, उन लोगों को नहीं दिया गया प्रधानमंत्री आवास का लाभ। और ग्राम पंचायत अधिकारी मलोकपुर ने पात्र लोगों को अपात्र घोषित कर दिया, जिसे लेकर नाराज ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों को लिखित शिकायत की, जिसके खिलाफ शिकायत की थी उसी ग्राम पंचायत अधिकारी को मिली जाँच, जो इसी गाँव में तैनात है। ग्राम पंचायत अधिकारी अपने हिसाब से रिपोर्ट लगाकर संबंधित अधिकारी को भेजे, इससे नाराज होकर ग्रामीणों ने उच्च स्तरीय जाँच कराने की मांग की है तथा दोषी पाए जाने पर ग्राम पंचायत अधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग की है। गांव निवासी निजामुद्दीन पुत्र मोल्हे, निजाम पुत्र अब्दुल समद, रईस पुत्र समाज, सकीना पत्नी वसी मोहम्मद, निजाम पुत्र समद, जाकिर पुत्र समद सहित गांव के तमाम लोगों ने बताया कि जो लोग पात्र हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिलना चाहिए और इसकी जाँच कराकर जो दोषी पाया जाता है उस पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी पूजा चौधरी से बात की गई, तो खंड विकास अधिकारी ने बताया कि मामला संज्ञान में है, इसकी जाँच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी और यह बताया गया कि जो लोग पात्र हैं उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा। रिपोर्ट पंकज सिंह, बहराइच, यूपी। प्रधानमंत्री आवास का लाभ आपको अभी तक मिल पाया है या नहीं मिल पाया? नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? जी हमने अप्लाई की थी, सूची में नाम भी मेरा है और प्रधान जी ने हमको आवास नहीं दिया है। क्या वजह है प्रधान जी ने आवास नहीं दिया? वजह सर उन्हीं से पूछा जाए क्या वजह है। आपके यहाँ गांव में प्रधानमंत्री आवासों का आवंटन हुआ है या नहीं हुआ है? जी हुआ है, कोई कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक बार, दो बार, तीन तीन बार दे दिया गया है आवास। आ रहा है कि आपके गांव में कुछ ऐसे लोगों को भी आवास दिया गया है जिन लोगों के पास पहले से पक्के मकान हैं और जो आवास पाने के पात्र नहीं थे, क्या है? जी हाँ, ये सच है और बहुत अहम का मामला है कि जिसके पास मकान है उनको दिया जाता है, जिनके पास नहीं है उनको नहीं दिया जाता। यहाँ पे ये पहले से मामला चल रहा है करीब 4-5 साल से। तो आप देख रहे हैं जो लोग पहले से ही संपन्न हैं, जो पात्र नहीं थे, क्या उसका आवेदन हमने बहुत बार किया है और प्रधान से भी हमने बातचीत की, लेकिन बताया सूची मांग तुम्हारा पहले नंबर पे है, आएगा कल तुमको मिलेगी। ऐसे करते 4-5 साल बीत गए, अभी तक कल नहीं आई है। हम जाहिल है, पहली बात पढ़े लिखे हैं नहीं, तो उसकी जानकारी करें। अब प्रधान लोगों के हाथ में क्या करते क्या नहीं करते। सुनने में आ रहा है कि कुछ ऐसे लोगों को भी आवास दिए गए हैं जिनका नाम और पता गांव में नहीं है, उन लोगों का आता पता नहीं है, लेकिन उन लोगों के नाम खाते से प्रधानमंत्री आवास का पैसा निकाल लिया गया है, क्या है मामला? अब इसका मामला जो है ये प्रधान लोग जाने, मतलब जो है, और जिसको कॉलोनी मिली है पहले से उसको फिर दोबारा दे रहे हैं, जिसके पास नहीं उसको नहीं दिया जा रहा है।